अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना अर्न करोगे साल का यूके में, और आप उसका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस के बाद कितना ले जा सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज ना मेरे पास मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि भाई हमारा जो है वीज़ा आ गया है, और कुछ के मैसेज आए कि मेरे पास जो है भाई वो ब्लैंक पासपोर्ट आया है। ठीक है, तो जिनका ब्लैंक पासपोर्ट आया है उनको मैं बता दूं, अनफॉर्चुनेटली आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आया है गाइस, ठीक है, आपके पास कोई रिफ्यूज़ल मेल नहीं आया है, तो वो आ जाएगा आपके पास 2-3 दिन में आ जाएगा। तो जिनके पास ब्लैंक आ रहा है उनका समझ लेना कि आप रिफ्यूज़ल है, और जिनका वीज़ा आ गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो ये है कि गुड न्यूज़ आई है, सैलरी बढ़ने वाली है यूके में। ठीक है, कितनी सैलरी बढ़ रही है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, कमेंट में भी पिन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करते हो तो प्लीज हाय हेलो मत किया करो, हाय हेलो के साथ अपना पूरा मैसेज लिख दिया करो। आप पहले हाय भेजते हो, उसके बाद हाउ आर यू पूछते हो, उसके बाद फिर अपना मैसेज भेजते हो, तो काफी लंबी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो बहुत सारे लोग के मैसेज होते हैं, तो एक आप बेटर है कि एक ही मैसेज में अपना पूरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो मेरे से पूछ लो, तो जिससे कि है कि मैं हर एक को रिप्लाई करना होता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है कि यार मैं किस किस को रिप्लाई करूं, इसलिए बेटर है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ही मैसेज में जो है अपना पूरा क्वेश्चन पूछ दिया करो। ठीक है गाइस, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर कितना अर्न करेंगे और उसके बाद आप कितना ले जा सकते हैं आफ्टर टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस डिडक्शन के बाद। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चांसलर है यहाँ पर, चांसलर अनाउंसेस मेजर इंक्रीज टू नेशनल लिविंग वेज, द नेशनल लिविंग वेज विल राइज टू 2/3 ऑफ एवरेज अर्निंग, द चांसलर अनाउंस टुडे मंडे 2nd of October। तो ये 2nd of October को उन्होंने अनाउंस करा है। ठीक है, कि जो पे रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा, और कितना पे रेट हो जाएगा, द मिनिमम पे वेज इज द सेम अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द यूके। स्पीकिंग एट द टॉय पार्टी कॉन्फ्रेंस इन मैनचेस्टर, द चांसलर कन्फर्म द मिनिमम वेज वुड राइज टू एटलीस्ट £11 per hour फ्रॉम April 2024। द गवर्नमेंट सेज दिस वुड इंक्रीज द एनुअल अर्निंग ऑफ फुल टाइम वर्कर्स ऑन द नेशनल लिविंग वेज बाय £1,000। मिनिमम वेज रेट अक्रॉस ऑल एज कैटेगरीज आर ड्यू टू बी अनाउंस लेटर इन अक्टूबर। तो अभी जो उन्होंने पे रेट अनाउंस किया है वो £11 per hour का कर दिया है। ठीक है, 1st of April से नेक्स्ट ईयर 2024 से, और उनका कहना है कि अगर जो फुल टाइम वर्क करता है उसको लगभग £1,000 का जो है उससे बेनिफिट मिलेगा, और £1,000 इंक्रीज हो जाएगा उनकी सैलरी में। ये कैटेगरी जो इन्होंने रखा है £11 per hour, ये है जो 23 ईयर्स से ऊपर के जो एज के जो होते हैं उनके लिए, जो कि अभी £10.42 per hour है जैसे सबको पता है, और ये बाकी के जो एज ग्रुप है लाइक उससे जो कम है उसका अनाउंसमेंट इन्होंने नहीं करा अभी किसका कितना रहेगा, तो वो End of October में इन्होंने बताया कि End of October में उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे ये लोग। ठीक है, और ये जो 23 से ऊपर है वो आपको बताया £10.42 से। ठीक है, नेशनल वेज लिमिट जो 21 से 22 साल के हैं उनका £10.18 मिलता है। ठीक है, पर आवर का, और जो 18 से 20 ईयर्स की एज में आते हैं उनको £7.49। तो अब इसमें इन्होंने जो लोअर ग्रुप है, एज ग्रुप है 23 से जो लोअर एज ग्रुप है, उसमें अभी कुछ नहीं बताया कि उनका कितना हो जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक उसको भी कंफर्म कर देंगे कि कितना हो जाएगा। तो £11 per hour हो जाएगा मिनिमम पे रेट, जो भी मिनिमम पे रेट पे काम करते हैं, तो काफी अच्छा पे रेट है, और काफी इंक्रीमेंट भी होगा। जैसे कि आप लोग बताए यहाँ पर यूके में हर चीज में इन्फ्लेशन है, तो काफी एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज, तो कुछ हद तक तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी 10.42 करा है यूके गवर्नमेंट ने इसी साल अप्रैल में, और नेक्स्ट ईयर वो £11 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना अर्न करोगे साल का यूके में, और आप उसका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस के बाद कितना ले जा सकते हो। इसमें से पेंशन भी कटेगी एंड में, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पेंशन कटवाते हो अपनी सैलरी में से या नहीं कटवाते हो। तो मैं पेंशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पेंशन नहीं कटवाओगे तो आप इन हैंड इतनी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी आफ्टर टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहले अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको मिलेगा, एनुअली की बात कर रहा हूँ, साल में अगर 20,000 है तो आपको मिलेगा 1,469 pounds आफ्टर टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आपकी सैलरी एनुअली 25,000 है तो आपको मिलेगा 1,752 pounds। अगर आप अर्न करते हैं 30,000, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2,035 pounds आफ्टर टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप 40,000 अर्न करते हो साल में तो आपकी सैलरी आएगी 2,602 pounds। 50,000 अगर आप अर्न करते हो एनुअली तो आपकी सैलरी आएगी 3,169, और 75,000 अगर आप अर्न करते हो तो आपकी सैलरी आएगी 4,379 आफ्टर टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस। तो यहाँ का सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि भाई जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा टैक्स पे करना है आपको, ठीक है। तो ये था जो भी इन्होंने अभी लेटेस्ट जॉब जो सैलरी इंक्रीमेंट बताया है, पे रेट में इंक्रीमेंट बताया है, जो अभी 2 अक्टूबर को आया है। तो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट कर दूं, जो भी आने का प्लान कर रहे हैं। तो भाई 1,100 अगर इंडियन करेंसी बात करें, 1,100 रुपये पर आवर आपको मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा पे रेट है। लेकिन एक्सपेंस भी वैसे ही है, लेकिन हाँ अर्न करोगे आप अगर इतना तो आप सेविंग भी कर सकते हो इजिली, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोग यहाँ पर अर्न करते हैं इतना और अपना बढ़िया सेव कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।